Hi guys and welcome back to my channel. So आज का video is gonna be new nails. Okay, so आज का video is gonna be a lot different than every video because इस video में I am going to show you my packaging. Packaging of what? Traveling. So I'm gonna go to my village. I'm really very 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 excited. आपको मेरी voice से पता चल जा रहा है कि मैं कितने excited हूँ. Because after 3 years of lockdown, I have got this, you know, opportunity to go in train and go to my village. Mera village is in Nizamabad. It's a quite long journey. So I'm very grateful and thankful that मुझे after 3 years मुझे opportunity मिली है train में जाने की. And I'm very thankful and grateful. So without wasting any time, let us start this video. ओके, तो सबसे पहले आई एम गोना शो यू माय पिंक बैग. सो ये बैग माय आंट गिफ्टेड में दिस बैग एंड इसके अंदर मैंने अपनी चीज़ें रखी हैं. सो ओके, सो लेट अस स्टार्ट बाय ओपनिंग इट एंड लेट अस सी कि इसके अंदर क्या खजाना छुपा है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है. बस इसके अंदर मेरे क्लिप्स एंड रबर बैंड्स एंड पेन्स एंड सब रखा है. सो ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है. वी डोंट नीड यू. एंड द सेकेंड थिंग इज़ माय पाउच. सो ये मेरा पाउच है जिसके अंदर मैं रखती हूँ अपने सारे स्केच पेन्स, पेन पेंसिल, टेप्स एंड ग्लिटर पेन्स, एज यू कैन सी. तो ये मेरा बहुत ही फेवरेट पाउच है. इसे मैंने डीमार्ट से ख़रीदा था. सो ये मैंने रखा है मेरे स्टिकर्स एंड ग्लू, तो हमें लगेगा ही. देन सीजर्स एंड स्केल्स एंड हाइलाइटर्स एंड ऑलमोस्ट एवरी थिंग जो हमें ड्राॅइंग करने में लगेगी. और वो चीज़ें दैट स्टफ जिसको यूज़ करके वी कैन ईजिली मेक एनी क्विक DIY क्राफ्ट. सो इसलिए मैंने वो चीज़ें रख दी है. नेक्स्ट लेट अस सी कि हमारे पास क्या है. ओके, सो नेक्स्ट मैंने लिया है ये पेपर्स का पैकेट, क्लासमेट का पेपर्स का पैकेट. ये भी मुझे मेरी आंट ने दिया था. सो मेरा मई में बर्थडे था. सो आई गॉट ऑल ऑफ दीज, यू नो, बैग्स एंड दिस पेपर्स एंड ऑल दैट. सो इस पेपर, ये पैक के अंदर टोटल 100 शीट्स हैं A4 साइज़ की. सो इसके अंदर से तो बहुत सारी यूज़ हो भी चुकी है. सो इसके ऊपर एज यू कैन सी इधर लिखा है, यू कैन राइट ऑन इट, यू कैन ड्रॉ ऑन इट, यू कैन प्रिंट ऑन इट एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ इट एज अ फाइल पेपर. सो इसलिए मैंने ये लिया है. एंड ये इतना इम्पॉर्टेंट भी क्यों है, बिकॉज मैं टुमारो हम बैठने वाले हैं इन द ट्रेन, टुमारो वी गोना गो लीव एंड देन वेडनेसडे को हम पहुँचेंगे एंड देन थर्सडे वाले दिन मेरा ड्राॅइंग कॉम्पिटिशन है. सो एंड 11 तारीख को ट्यूसडे को, सॉरी वेडनेसडे को जिस दिन हम पहुँच जाएंगे, तो पहुँचने से पहले एक क्लास है अवेयरनेस ऑफ COVID-19. स्कूल जैसे कि ऑनलाइन शुरू हो चुकी है कब से. सो अवेयरनेस ऑफ COVID-19 के ऊपर एक एक्टिविटी क्लास है. सो आई एम नॉट गोना अटेंड दैट. ट्रेन में मैं कैसे अटेंड करूँगी, मतलब COVID-19 के बारे में पढ़ा रहे एंड आई एम इन ट्रेन लिटरली. सो आई कैन नॉट अटेंड दैट क्लास एंड आई एम ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड टू अटेंड दैट क्लास. बट जैसे कि 13 तारीख को विल बी ड्राइंग कॉम्पिटिशन, सो वी कैन नॉट मिस आउट. लाइक अवर हॉबी इज ड्राइंग, पेंटिंग, DIY एंड क्राफ्ट. सो आई विल नॉट मिस आउट एंड दैट ड्राइंग इज ऑल्सो ऑन इंडिपेंडेंस डे. सो आप लोगों को पता है कि 15 तारीख को इंडिपेंडेंस डे है. सो हमारा इंडिपेंडेंस डे भी उधर जाएगा. एंड ऑल्सो वी स्टे ट्यून्ड बिकॉज मेरे बहुत सारे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आएंगे एंड आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि किस टॉपिक के ऊपर आएंगे. बिकॉज बट एक थोड़ा सा हिंट ही मिला आप लोगों को, जितना मज़ा आएगा आप लोग बिल्कुल भी नहीं थिंक कर पाओगे. ओके, सो लेट अस गो एंड सी व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग. सो टू बी वेरी फ्रैंक, आई एम लिटरली इन लव विद दिस बुक. मैंने ये रिसेंटली ही बनाई है ट्रैवल जर्नल एंड ये मैंने पिंट्रस्ट पे से इसके आइडिया, ड्राइंग का आइडिया ढूंढा है. एंड देन जस्ट यू नो, ट्रैवल आप करने वाले हो ना, सो आपकी जो फीलिंग होती है उसके
आपकी जो फीलिंग होती है उससे आप लोगों को इतने सारे आइडियाज़ आ जाते हैं कि हम ट्रैवल जर्नल में यू नो क्या क्या लिख सकते हैं। सो ये मेरी ट्रैवल जर्नल मैंने बनाया है, ये है मेरा प्लान फॉर द वीक का पेज, मतलब ट्यूसडे वाले दिन क्या करूँगी, ट्यूसडे वाले दिन तो हम जाने ही वाले हैं, तो मतलब मैंने ये बनाया है कि हम ट्रेन में बोर ना हो एंड ट्रेन के अंदर यू नो हम प्लान पूरा कर सकते हैं कि वीक में क्या करें, पैकिंग बिफोर लीविंग, क्लोथ्स, एक्सेसरीज, माई ट्रैवल जर्नल, पैकिंग माई दिस वन बैग एंड देन माई डायरी, माई पेपर्स एंड स्केच पेन्स वाला पाउच, देन ये मैंने ऐसी टिकट्स का ड्राइंग कर लिया, थोड़ा फीलिंग आनी चाहिए, ऑनलाइन टिकट है वैसे तो। देन मैंने इधर फूड का एक कॉर्नर बनाया, सी एस एम टी पे जाके मैं क्या खाऊँगी, फ्रेंच फ्राइज, जूस, वड़ा पाव एंड ऑल दैट स्टफ। इन ट्रेन में मैं क्या लूँगी, सम स्नैक्स, पिकनिक, चॉकलेट एंड ऑल दैट स्टफ। देन जर्नी इन द ट्रेन, लाइक जर्नी ट्रेन में जब मैं बैठूँगी तो मैं क्या क्या कर सकती हूँ और मुझे क्या क्या करना है। ड्राइंग द आउटसाइड, ड्राइंग ऑफ द आउटसाइड सीनरी, जैसे मैंने 3 साल पहले मैं गई थी बिफोर लॉकडाउन, सो मुझे कुछ इतना खास नहीं लगा था, बट मतलब यू नो लॉकडाउन से हमें पता चल गया है कि यू नो हाउ इम्पॉर्टेंट इज, लाइक अगर आप किधर जा रहे हो सो आपको बहुत ही ग्रेटफुल, यू हैव टू बी ग्रेटफुल कि मतलब मुझे जाने मिल रहा है एंड आई एम सो हैप्पी। सो मतलब लॉकडाउन की वजह से मुझे ये पता चला है कि विलेज जाऊंगी तो मुझे कितना अच्छा फील होएगा। ये लास्ट टाइम मैं गई थी तो बस मैं घर में ही थी, लॉकडाउन की पहले की ही बात है, बट फिर भी मैं घर में ही थी। मेरे डैडी मुझे लेके जाने वाले थे विलेज, मतलब वो जो घर है वो है सिटी में एंड उधर एक विलेज है बालकुंडा करके, सो उधर मुझे लेके जाने वाले थे। उधर बहुत ही ब्यूटीफुल जगह, प्लेसेस है घूमने के लिए, सो जब मुझे लेके जाने वाले थे बट मैं खेल खेल में नहीं गई। सो अब मुझे एकदम पछतावा हो रहा था ना कि मैं क्यों गई, मतलब यार ये लॉकडाउन आ गया, अगर मैं चले जाती तो कितना अच्छा होता। सो आई एम सो वेरी ग्रेटफुल कि मुझे अभी जाने का मौका मिला है एंड लास्ट टाइम से ज़्यादा मज़ा करूँगी मैं। ओके सो मैं ट्रेन में करूँगी ड्राइंग, राइटिंग इन दिस जर्नल, राइटिंग इन माई सीक्रेट डायरी, डायरी ही लिखूँ कि वो सीक्रेट है, वो सीक्रेट नहीं रहा। मेमरीज़, यानी मैं जाऊँगी तो यू नो इम्पॉर्टेंट मेमरीज लिखना, देन एट द विलेज जाऊँगी तो मैंने क्या किया विलेज पे उसकी नोट्स, एंड देन एट द विलेज के फोटोज़, थोड़े फोटोज़ लेके ना प्रिंट करवा के चिपकाएंगे, देन कलेक्टेड एनी थिंग सो स्टिक हियर। आई डोंट थिंक कि मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट मिलेगा आई गेस विलेज में, आई डोंट नो, बट मैं इसे स्टिक कर सकती हूँ या मुझे कुछ लिख भी सकती हूँ ना कि मुझे कुछ नया दिखा विलेज में, लाइक दैट। नेक्स्ट, वेयर डू यू वेंट, दिस इज़ द लास्ट पेज, वेयर डू यू वेंट, ऐसे मैं एक मैप चिपकाऊँगी, आई मीन मैप ड्रॉ करूँगी मैं। सो दैट्स इट गाइज, ये ट्रैवल जर्नल में इतना ही है। ओ आई जस्ट डेकोरेटेड द आउटसाइड पार्ट ऑफ इट। सो ये ट्रैवल जर्नल में इतना ही है। नाउ लेट्स गेट टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग, ओ यस दिस इज माई डायरी ऑल्सो। मैं आपको ज़्यादा क्लिप नहीं बताऊँगी इसका बिकॉज दिस इज द सीक्रेट बुक। नेक्स्ट अप मेरे पास है ये कैलेंडर। ओके सो दिस इज मेरा स्कूल का कैलेंडर है, ये पिछले साल का, इसको मैंने अभी के अभी डेकोरेट किया वीडियो बनाने से पहले, बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि आप लोग देखें कि मैं एक कैलेंडर को एक यूट्यूब की बुक बना के रखा है और बहुत ही गंदा हाल था कैलेंडर का। सो मैंने इसे अभी के अभी डेकोरेट किया एकदम सिंपल से आइडिया में, जस्ट यू नो आइकन है ये यूट्यूब का, इधर भी आइकन है, इधर भी आइकन है, और मैंने नाम लिख दिया है वो क्या है बुक, वो भी लिख दिया है। सो इसके अंदर मोस्टली मैं प्लान करती हूँ और मैं खेलती भी हूँ इसके अंदर। सो ये रहे मेरे सारे प्लानिंग्स, जैसे मैंने स्टार्ट किया था वीडियो, सो मैं इंट्रो कैसे बनाऊँगी एंड ऑल ऑफ द थिंग्स लाइक डिटेल्स ऑन ऑल दैट। फिर मैंने द वेलकम बोर्ड, आप लोगों को याद होगा शायद, वो जो बनाई थी मैंने, उसका मैंने द प्रिपरेशन किया है, देन सी शेल का प्रिपरेशन, देन सेकेंड आइडिया स्टोन्स पे प्रिपरेशन, एंड ये है फाइनली जो चीज़ हम अभी शूट कर रहे हैं उसका है। फिर आप देख सकते हैं कि मेरे पास ट्राइपॉड ये ऐसा, एंड मैंने ये सब लिख लिया है कि मुझे कैसे यू नो ये बैकग्राउंड कैसे रखना है, मुझे क्या क्या चीज़ें दिखाना है, क्या क्या चीज़ें नहीं दिखाना है। सो ये है मेरी स्टफ़,
जिसके अंदर मतलब मेरे पिंक बैग के अंदर मैंने ये सब स्टफ रखा है गाइस। एंड मुझे एक और एक चीज़ दिखानी है आपको, लेकिन सबसे पहले मुझे इसे क्लीन करना पड़ेगा वरना मम्मी आके चिल्लाएंगी। सीक्रेट बुक जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। ये गया हमारा पाउच, चलो जा गया हमारी थैली एंड फिनिश्ड। ओ यस, एंड मैं आप लोगों को ये बताना भूल गई कि ये मेरा पाउच है, छोटा सा क्यूट सा लिटिल सा पाउच है जस्ट, जिसके ऊपर आई कैन सी कि मैंने स्टिकर्स लगाए। वॉच द वीडियो कस्टमाइज स्टिकर्स। ओके सो ये पाउच भी मैं लेके जाऊंगी, बिकॉज मैं जिधर भी जाऊंगी घूमने ये पूरा बड़ा सा झोला तो मैं उठा के लेके जाने वाली हूँ नहीं, तो मैंने छोटा सा पाउच भी ले लिया, लेकिन स्टाइल मारते हुए जाना है हमें। जिप लग रही नहीं है, कि लग जा, स्ट्रगलिंग। ओप्स, फाइनली आफ्टर हार्ड वर्क बैग रेडी हो चुका है वापस से। ओके सो मैं आप लोगों को एक और एक चीज़ बताऊंगी, विच इज दिस। सो ये इधर पूरे सारे ना बैग सारे रेडी है। ये मेरा बैग है एंड ये मेरी स्मॉल सिस्टर का बैग है, देन दिस दिस इज ऑल्सो माई मम्स बैग एंड आई एम शूटिंग ओवर हियर। बैग गिर चुका है। ओके सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये बहुत ही बड़ा वीडियो गया 11 मिनट्स का, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज आप लोग अगर ये नहीं देखेंगे वीडियो सो आप लोग सारा फन मिस आउट कर दोगे। सो सब्सक्राइब टू माय चैनल क्योंकि सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो माय वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आएगी। एंड अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे, बेल आइकन हिट नहीं करोगे सो आप लोग फन बिल्कुल भी नहीं देख पाओगे। डोंट ब्लेम मी फॉर दैट, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ बिग थम्स अप, शेयर दिस वीडियो एंड द लास्ट वन वॉज सब्सक्राइब, जो मैं बहुत बार बोल चुका है। ओके सो That's it for this video. Meet you in the next travel vlog.